हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे किचन में। और आज मेरे किचन में बनने जा रहा है वेट लॉस मूंग दाल चीला। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो में एंड तक बने रहें। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मूंग की दाल ली है, जिसको मैंने सुबह से फुले के रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्च। और इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पनीर। मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें हम डालेंगे मूंग की दाल। और मूंग की दाल डाल के इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। अदरक डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे और मिर्च को भी डाल लेंगे। और टेस्ट के लिए डालेंगे काला नमक। बहुत ज़्यादा मसाले हमें डालने की इसमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये वेट लॉस चीला है। पेस्ट को बना के रेडी कर लिया है मैंने यहाँ पे। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे एक मैंने डोसा पैन लिया है, पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे पैन को इस तरह से। अच्छे से ऑयल लगा लेना है। अब इस पर बैटर डालेंगे इस तरह से, और राउंड राउंड करके गोल शेप के आकार से हमें बना लेना है इस तरह से। अच्छे से घुमाते हुए चीले को तैयार कर लेना है। इस प्रकार से चीला हमारा एक साइड से सिक के रेडी हो चुका है। दूसरी साइड से पलटते हुए सेक लेंगे। इस तरह से पनीर रख लेंगे इसके अंदर हम। पनीर में प्रोटीन होता है, इसलिए वेट लॉस में पनीर हमारा बहुत लाभदायक है। इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे और चीला हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे हम, और ये सर्विंग के लिए रेडी हो चुका है।